तो अब तक तो गाइस हमने काफी सारे तगड़े तगड़े बिल्ड्स किए हैं, बट आज की इस वीडियो में मैं बिल्ड करने वाला हूँ एक बीकन, वो भी माइनक्राफ्ट के सारे ब्लॉक्स का यूज करके। एंड इसमें कुछ ब्लॉक्स बहुत ही ज्यादा इजी है एंड कुछ ब्लॉक्स ऑब्टेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी है। एंड इस बीकन को बनाने के लिए मुझे मोर देन 400 ब्लॉक्स का यूज करना पड़ा। एंड गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में ये बीकन काफी ज्यादा ओपी दिखने वाला है। तो गाइस सारे ब्लॉक्स के बीकन बनाने से पहले मैं सोच रहा हूँ ना एक नॉर्मल सा बीकन बना दिया जाए जिसके ऊपर आज हम जितने भी ब्लॉक्स को कलेक्ट करके लेके आएंगे उसे हम वहाँ पे प्लेस कर देंगे। बट हमें सबसे पहले अपने बीकन को बनाने के लिए जगह चाहिए, जो कि मुझे ये वाली बढ़िया लग रही है क्योंकि ये हमारे रेयर हाउस के जस्ट बाजू में ही है। तो मुझे सबसे पहले इस वाले एरिया को पूरा क्लियर करना पड़ेगा। तो चलो फिर मजदूरी शुरू करते। एंड फाइनली गाइस हमारा एरिया प्लेन होके फुली रेडी हो चुका है एक बीकन सेटअप करने के लिए। एंड गाइस आज हमें काफी बड़ा बीकन सेटअप करने वाले हैं जिसके लिए मुझे काफी सारे ब्लॉक्स की जरूरत है जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। तो फटाफट से हमारे जायंट बीकन को बनाना शुरू करते। एंड फाइनली गाइस हमारा बीकन यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। एंड इसे बनाते बनाते मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया। तो हम अपने सबसे पहले दो ब्लॉक को कलेक्ट कर लेते जो कि एक ग्रास ब्लॉक और डर्ट, एंड इन्हें अब यहाँ पे प्लेस कर देते। एंड गाइस मैं डर्ट से रिलेटेड और भी काफी सारी चीजें लगा सकता हूँ जैसे कि कोर्स डर्ट, ग्रास पाथ, क्ले, फार्म लैंड। और एक मिनट भाई, ये फार्मलैंड तो वापस से डर्ट बनने जा रहा है यार, इसके लिए मुझे शायद से पानी सेटअप करना पड़ेगा। एंड गाइस बाकी के हम जितने भी ब्लॉक्स को कलेक्ट करेंगे उसे हम शल्कर बॉक्स में रख देंगे एंड एक ही साथ में प्लेस करेंगे। एंड अगर मैं डर्ट को प्लेस करके इसके ऊपर वाटर बॉटल मार दूं तो ये मड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इस मड से मैं पैक्ड मड बना सकता हूं एंड उससे मैं मड ब्रिक्स भी बना सकता हूं। तो डर्ट से रिलेटेड तो गाइस मैंने सारे ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए। अब बारी आ चुकी है केव वाले ब्लॉक्स को कलेक्ट करने की। तो हम सबसे पहले स्टोन से रिलेटेड ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लेते। अब गाइस हमारे स्टोन वाले काम हो चुके हैं, अब बारी है डीप स्लेट वाले को कलेक्ट करने की। एंड डीप स्लेट में भी मुझे सारे ओर्स को भी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ओके अभी मेरी इन्वेंटरी टोटली फुल हो चुकी है, तो मुझे सबसे पहले इन सबको शल्कर बॉक्स में शिफ्ट करना पड़ेगा। एंड हमने काफी सारे ओर्स, काफी सारे ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए, बट पता नहीं अभी तक मुझे कहीं गोल्ड का नामो निशान नहीं मिला। ओके ये रहा, यहाँ से हम इनको कलेक्ट कर लेते। एंड अब हमें नॉर्मल वाले भी ढूंढने। ओके आई थिंक मुझे नॉर्मल वाले भी मिल चुके। एंड एक मिनट, शायद से हमें नॉर्मल वाले रेडस्टोन भी मिल चुके। आई थिंक गाइस हमें केमिथिस का जियोड मिल चुका है, यहाँ से भी हमें काफी सारे ब्लॉक्स मिल सकते हैं। तो गाइस हमें केव से रिलेटेड तो काफी सारे ब्लॉक्स मिल चुके हैं जिन्हें हमने इन दोनों शल्कर बॉक्सेस के अंदर रख दिया है। बट अभी भी कुछ ओर्स बाकी है जैसे कि डीप स्लेट कोल ओर हो गया, नॉर्मल वाले डायमंड ओर हो गए एंड दोनों तरीके के एमरल्ड ओर भी बाकी है। बट उससे पहले गाइस मैं सोच रहा हूं क्यों ना सारे नॉर्मल वाले ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लिया जाए जो कि हमें ओवरवर्ल्ड में इजीली मिल जाते हैं, जैसे कि लीव्स हो गए, लॉग्स हो गए एंड उनसे रिलेटेड ब्लॉक्स को हम कलेक्ट कर लेते। तो अभी तक गाइस हमने टोटल 4 बायोम्स के ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लिया है। अब हम आ चुके जंगल बायोम में थोड़े से जंगल वाली चीजों को कलेक्ट करने, जिसमें हम कलेक्ट करेंगे सबसे पहले थोड़े से जंगल के लॉग्स, थोड़े से स्ट्रिप वाले जंगल के लॉग्स, साथ ही थोड़े से जंगल के लीव्स, थोड़े से बैम्बूज कलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके साथ थोड़े से मेलन्स भी क्योंकि ये भी एक ब्लॉक ही है। एंड गाइस हम बैम्बूज इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि 1.20 की अपडेट करने के बाद हम फाइनली बैम्बू का ब्लॉक बना सकते हैं एंड इसी बैम्बू के ब्लॉक से हम बैम्बू के प्लैंक्स भी बना सकते हैं। तब तक गाइस हम टोटल 5 बायोम्स के ब्लॉक्स को कलेक्ट करके लेके आ चुके हैं, लेकिन अभी भी डार्क ओक बायोम एंड मैंग्रोव बायोम के ब्लॉक्स कलेक्ट करना बाकी। एंड एक बात गाइस इन ब्लॉक्स की काफी ज्यादा अच्छी है कि हम इन्हीं ब्लॉक्स से काफी सारे और भी वेरिएंट्स बना सकते हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे बीकन को जल्द से जल्द फिल करने में। एंड सेम ही गाइस मैंने केव वाले ब्लॉक्स के साथ भी काफी सारी चीजें बना दी है जैसे कि कोबलस्टोन, स्टोन, स्मूथ स्टोन एंड ऐसी और भी काफी सारी चीज। अब गाइस मैं फिर से केव में आ चुका हूं बाकी के जितने भी ओर्स हैं उनको कलेक्ट करने के लिए, बट मुझे अभी तक तो कुछ भी ऐसा खास नहीं मिला है, मुझे सिंपल से डायमंड ओर भी नहीं मिल रहे। A few moments later. यानी डीप स्लेट वाली केव आने के बाद बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। एक मिनट भाई, गाइस हमें लिटरली सबसे रेयर वाले डीप स्लेट कोल ओर मिल चुके। सभी गाइस मुझे केव में भटकते हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। एक मिनट, ओ भाई फटना नहीं मेरे डायमंड। लेट्स गो गाइस, हमें फाइनली नॉर्मल वाले डायमंड ओर्स मिल चुके। भाई पता नहीं 1.20 में आने के बाद ये नॉर्मल डायमंड ओर भी इतने ज्यादा रेयर हो चुके। सभी गाइस मैं जा रहा हूँ बाकी की बची हुई दोनों बायोम्स के ब्लॉक्स को कलेक्ट करने के लिए, जिसमें से एक बायोम हमें मिल भी चुकी है। तो गाइस मैं पिछले 1 घंटे से भटक रहा हूँ, बट यहाँ पे मुझे दूर दूर तक कहीं भी मैंग्रोव बायोम नहीं मिल रही है। 1 सेकंड, फाइनली गाइस मुझे एक मैंग्रोव बायोम मिल चुकी है। एंड ये बायोम गाइस कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है क्योंकि आजू बाजू से फुल्ली मैंग्रोव बायोम है एंड बीच में पहली बार मैं विलेज को देख रहा हूँ। अब मैंग्रोव बायोम में हमें सबसे पहले इन रूट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। अब इनके साथ थोड़ी सी लकड़ियां भी लेते, साथ ही हमें मैंग्रोव के लीव्स भी चाहिए। और एक मिनट, ये बी नेस्ट है ना, इसको भी हम एज ए ब्लॉक यूज कर सकते हैं, तो इसको भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। एक मिनट, ये भी कोई ब्लॉक है या ये ऐसी है? ओके आई थिंक ये भी कोई ब्लॉक है, तो इस बायोम से तो
हमारा इतना ही काम था, तो यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। एंड गाइस हम सबसे सिंपल वाले ब्लॉक्स को तो कलेक्ट करना भूल ही चुके हैं, जो कि है सैंड, जिससे हम काफी सारे सैंडस्टोन, चिजल सैंडस्टोन और भी काफी सारी चीजें बना सकते हैं। एंड सेम ही हम रेड सैंड के साथ भी कर सकते हैं, तो इनको भी कलेक्ट कर लेते हैं। एंड क्योंकि गाइस अभी हम मेसा बायोम में, तो हमें यहाँ से काफी सारे टेराकोटास मिल रहे हैं, जिसको हम अलग अलग कलर का बना के अपने बीकन को काफी ब्यूटीफुल बना सकते हैं। एंड अभी गाइस मैं जस्ट घर ही जा रहा था कि ये देखो फाइनली मुझे नॉर्मल वाले एमरल्ड ओर मिल चुके, तो फटाफट से इन्हें अपनी पेटी में भर लेते हैं। एंड फाइनली गाइस अब अपने पास टोटल 4 शल्कर बॉक्स भर के ब्लॉक्स हो चुके हैं, सिवाय एक ब्लॉक के जो कि डीप स्लेट एमरल्ड ओर, जो कि हम बाद में कलेक्ट करेंगे। एंड आई थिंक गाइस हम फुली रेडी अपने बीकन में ब्लॉक्स को प्लेस करने के लिए, तो चलो फिर इसे करना शुरू करते। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली हमने ऑलमोस्ट अपने बीकन के 2 लेयर्स को कंप्लीट कर लिया है, कुछ ही ब्लॉक्स बाकी है। एंड हर ब्लॉक को गाइस मैंने उनके वेरिएंट के हिसाब से लगाया, जैसे कि सैंड से रिलेटेड सारे ब्लॉक्स एक तरफ, लॉक से रिलेटेड सारे ब्लॉक्स एक तरफ, ओर से रिलेटेड सारे ब्लॉक्स एक। बट अभी भी गाइस ऐसे और भी काफी सारे ब्लॉक्स है जिनसे हम और भी ब्लॉक्स को ले सकते हैं, जैसे कि क्राइंग ऑब्सिडियन हो गया जिसके हेल्प से हम एक रिस्पॉन एंकर क्राफ्ट कर सकते हैं, दूसरा पंपकिन हो गया जिससे हम कार भी कर सकते हैं, एंड साथ ही इससे हम जैको लैंटर्न भी बना सकते हैं। एंड हम वीट को कैसे भूल सकते हैं, इसके हेल्प से हम एक हेबेल बना सकते हैं, एंड साथ टारगेट ब्लॉक भी क्राफ्ट कर सकते हैं। तो अभी हम बाकी के जितने भी ब्लॉक्स को बना के लेके आ चुके, उसे हम यहाँ पे प्लेस कर देते। एंड अभी गाइस मैं आ चुका एक ओशन में, ओशन मॉन्यूमेंट के रिलेटेड ब्लॉक्स को कलेक्ट करने के लिए। एंड हमें फाइनली एक ओशन मॉन्यूमेंट मिल भी चुका है। एंड गाइस यहाँ से हम काफी सारे ब्लॉक्स को ले सकते हैं, अगर माइनिंग फटिक ना आए तो बोलने की देर थी। तो इस माइनिंग फटिक का जुगाड़ करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ के गार्डियन को मारना पड़ेगा। चलो एक तो गया, अब दूसरे की बारी है, दूसरा मिलने का नाम नहीं ले रहा है। जहां तक गए मुझे पता है इसी के नीचे होना चाहिए। एंड अच्छा वो मैं मिल्क की बकेट लेके आया था, मुझे फटाफट से पीके कैसे भी करके तोड़ के अंदर जाना होगा। होप करते यहाँ पे हमें मिले शायद, यार नहीं है यार लगता है। ओ वेट, कोई तो मुझे दिख गया। तो अब तक तो गाइस मैंने सिर्फ 2 ही गार्डियन को मारा है, बट अभी मुझे फिर से माइनिंग फटिक नहीं मिल रहा है, जब तक तो मैं ब्लॉक को कलेक्ट कर सकता हूँ। भाई साहब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो अब तक तो गाइस सब काफी ज्यादा बढ़िया जा रहा है, नहीं जा रहा है। एंड ये आखिरी वाले को तो मैं बिल्कुल छोड़ने नहीं वाला, फटाफट से मिल्क पी के सीधा अंदर जाते हैं। भाई तेरे को बहुत चमचा देने की आदत है ना, अब तू देख देख अब तू। एंड अभी गाइस मैं जस्ट घर के लिए जा ही रहा था कि तभी मुझे यहाँ पे आइस और स्नो बायोम का मिक्सचर मिला है। एंड इससे रिलेटेड हम और भी ब्लॉक्स को कलेक्ट कर सकते हैं, बट एक मिनट। हाँ गाइस, इनसे मुझे याद है कि इसको हमने एडवांसमेंट के टाइम पे पकड़ा था, इनको हमेशा देख के मुझे वो 2 रोडीज के टकले की याद आती है। तो यहाँ से गाइस हम स्नो कलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही हम यहाँ से नॉर्मल वाली आइस ले सकते हैं जिससे हम पैक्ड आइस बना सकते हैं। एंड यहाँ पे पाउडर स्नो है तो इसको भी ले लेते हैं, क्योंकि ये भी एक ब्लॉक ही है। एंड हाँ गाइस, हम ब्लू आइस को कैसे भूल सकते हैं, तो इसको भी क्राफ्ट कर लेते हैं। तो गाइस अभी मैं उड़ते उड़ते सीधा आ चुका हूँ एंड वर्ल्ड में। एंड यहाँ से हम सीधा जाने वाले एंड सिटी की तरफ, वहाँ के कुछ ब्लॉक्स को कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से हम सबसे पहले थोड़े से एंड स्टोन लेंगे, जिससे हम एंड ब्रिक्स भी बना सकते हैं। एंड आई थिंक शायद से मैं इसको भी कलेक्ट कर सकता हूँ, लेट्स सी। एंड फाइनली गाइस हमें एंड सिटी भी मिल चुकी है, जहाँ से हमें काफी सारे ब्लॉक्स मिल जाएंगे। एंड हाँ, हम शल्कर्स को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि शल्कर्स के भी हम काफी सारे अलग अलग कलर वाले वेरिएंट बना सकते हैं। तो क्या मैं एक ही बार में इसमें से चले जाऊंगा? यार अब तो चले जाऊंगा, इतना तो प्रो हुई। गैस अगर मैं चले जाता हूँ तो इस बार आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। लेट्स गो गैस, फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दो। अब गैस आ चुके हम अपने अगले वर्ल्ड में, जो कि है नेदर वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ से हमें ढेरों ब्लॉक्स मिलने वाले। तो हम सबसे पहले यहाँ से क्वार्ट्ज को कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्वार्ट्ज से हम और भी काफी सारे क्वार्ट्ज ब्लॉक बना सकते हैं। थोड़े से फ्री के गोल्ड नगेट्स भी भर लेते। अब गैस हम आ चुके क्रिम्सन वाले बायोम में, जहाँ पे भर भर के काफी सारे ब्लॉक्स है, तो इन्हें एक एक करके कलेक्ट करना शुरू करते। एंड यहीं पे गाइस हमें एक बैस्टन मिल चुका है, एंड बैस्टन में भी हमें काफी सारे नए नए ब्लैकस्टोन वाले ब्लॉक्स मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते। अब गाइस बैस्टन के बाद फोर्ट्रेस के ब्लॉक ना ले ऐसा तो हो नहीं सकता। एंड यहाँ से तो हमें काफी कम ब्लॉक्स कलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे मुझे नेदर वॉट मिल चुके हैं, जिसके हेल्प से मैं रेड नेदर ब्रिक्स भी बना सकता हूँ। थोड़े से मैग्मा ब्लॉक्स भी ले लेते हैं। एंड गाइस अब हम आ चुके सोल सैंड वाली बायोम में, जहाँ से हमें कुछ ही ब्लॉक्स लेने, जैसे कि सोल सैंड, सोल सॉइल हो गया, और थोड़े से बोन के ब्लॉक्स हो गए। तो गाइस अब हम अपने फेवरेट बायोम के ब्लॉक्स को कलेक्ट करने वाले, तो चलो इसे कलेक्ट करना शुरू करते। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली मैंने ओशन वाले ब्लॉक्स, एंड वर्ल्ड के ब्लॉक्स और नेदर वाले ब्लॉक्स को भी कलेक्ट कर लिया है। तो चलो शुरुआत करते सबसे पहले ओशन वाले ब्लॉक्स के साथ। एंड अब टाइम आ चुके नेदर और एंड वर्ल्ड के ब्लॉक्स को प्लेस करने की। एंड नेदर के तो हमारे पास काफी सारे ब्लॉक्स है।
एंड गाइस मैं एक चीज तो भूल गया, हम स्ट्रॉन्गहोल्ड में जाके आ गए बट हमने अभी तक स्ट्रॉन्गहोल्ड के ब्लॉक्स को तो कलेक्ट ही नहीं किया। तो यहाँ से हम सबसे पहले थोड़े से मॉसी स्टोन ब्रिक्स और नॉर्मल वाले स्टोन ब्रिक्स भी ले लेते हैं एंड साथ ही यहाँ से दरार वाले स्टोन ब्रिक्स को भी ले लेते हैं। एंड अभी गाइस मुझे याद आया कि माइनक्राफ्ट के अंदर और भी ऐसे काफी सारे कलर वाले ब्लॉक्स है, जैसे कि कॉन्क्रीट हो गया, कॉन्क्रीट पाउडर हो गया, वूल हो गया, जिसके हम इजिली अपने बीकन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं एंड इससे लग गया तो हमारा बीकन फिल भी हो जाएगा। तो चलो अब इन सारे ब्लॉक्स को क्राफ्ट करके अपने बीकन पे लगा देते। तो गाइस हमने कॉन्क्रीट वुड और ग्लास वाले ब्लॉक्स लगा दिए, अब बारे आ चुकी है टेराकोटास वाले ब्लॉक को लगाने की। एंड गाइस अभी हम अपने बीकन पे काफी ज्यादा ऊपर आ चुके हैं, अब टाइम आ चुके हैं अलग अलग कलर वाले शल्कर बॉक्सेस को लगाने की। एंड गाइस कॉपर ब्लॉक के रिलेटेड काफी सारे कॉपर वेरिएंट भी थे तो मैंने उनको भी क्राफ्ट कर लिया है, जिन्हें मैं एक एक करके यहाँ पे फटाफट से लगा देता हूँ। सो गाइस अभी उड़ते उड़ते मैं यहाँ पे आ चुका एक वॉर्म ओशन के पास 5 टाइप के कोरल ब्लॉक्स को कलेक्ट करने के लिए। तो हमें कोरल ब्लॉक्स तो मिल चुके हैं, सबसे पहले ब्लू वाले को ले लेते, अब नेक्स्ट पिंक वाला हो गया, अब अगला रेड और पिंक वाले कोरल ब्लॉक्स को ले लेते एंड अब सबसे लास्ट येलो वाले कोरल ब्लॉक को भी लेते। एंड गाइस अब टाइम आ चुका है इनको एक एक करके प्लेस करने का, बट एक मिनट भाई साहब मैं भूल ही चुका था कि ये सिर्फ पानी में रह सकते, तो इसके लिए मेरे पास काफी बढ़िया सा प्लान है। मैं पीछे वाले ब्लॉक्स को तोड़ देता हूँ, अब यहाँ पे मुझे दोनों कॉर्नर्स पे पानी डालना है एंड आई थिंक अगर अब मैं ब्लॉक्स को प्लेस करूंगा तो शायद से ये डेड कोरल ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं होगी। आई थिंक सो गाइस ये वाली ट्रिक हमारी काफी बढ़िया काम कर रही है। एंड गाइस अब हम अपने बीकन के काफी ज्यादा टॉप पे पहुंच चुके हैं, अब बारी आ चुकी है कुछ ही ब्लॉक से अपने बीकन को कम्प्लीट करने की। तो अभी गाइस हम सबसे पहले एंशिएंट सिटी वाले ब्लॉक को कलेक्ट करने वाले। तो ओके गाइस मैं अपने पास वाले एंशिएंट सिटी में तो आ चुका हूँ, यहाँ से हम सबसे पहले बड़ी शांति से इस सेंसर को कलेक्ट कर लेते। आई होप कि मैं इसे सिल्टा से कलेक्ट कर लूँ, लेट्स गो। अब इस रिपीटर को ले लेते हैं, लगी याद स्कल कैटलिस्ट को भी ले लेते, अब अपना लास्ट ब्लॉक इन सारे स्कल ब्लॉक्स को लेते। एंड ऐसे तो गाइस अब अपने पास लूट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बट पता नहीं एंशिएंट सिटी में आते ही मुझे लूट करने की चुल क्यों मच जाती है। इससे पहले कि वार्डन आ जाए देख लेते यहाँ पे कुछ खास है क्या। भाई दोनों की दोनों चेस्ट ही बकवास, इससे अच्छा तो यहाँ से निकल ही लेते। तो अभी गाइस मैं थोड़े से हनी बॉटल्स को कलेक्ट कर रहा हूँ, जो कि मुझे इन बी नेस्ट से मिल जाएगा, जिससे मैं हनी के ब्लॉक्स को क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो ओके ये बन गया हमारा हनी ब्लॉक। एंड अभी गाइस मुझे याद आया कि हम रेडस्टोन वाले भी काफी सारे ब्लॉक्स को क्राफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि डिस्पेंसर, ड्रॉपर, ऑब्जर्वर और भी बहुत सारी चीजें, तो क्यों ना उन सबको भी क्राफ्ट कर ले। तो ये बन गया हमारा ड्रॉपर, ये बना हमारा ऑब्जर्वर, डिस्पेंसर, एक नॉर्मल चेस्ट एंड इसकी हेल्प से एक ट्रैप चेस्ट, थोड़े से नॉर्मल पिस्टन एंड इनकी हेल्प से एक स्टिकी पिस्टन। अब फटाफट से गाइस इन सारे ब्लॉक्स को प्लेस कर देते। एंड गाइस अभी हम अपने बीकन को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, बट अभी तक हमने डीप स्लेट एमरल्ड ओर को तो कलेक्ट किया ही नहीं। एंड गाइस अपने पोर्टल वाले वीडियो के टाइम पे मैंने लिटरली 3 घंटे के लिए स्ट्रिप माइनिंग की थी, बट तभी भी मुझे डीप स्लेट एमरल्ड ओर नहीं मिला था। तो अभी भी गाइस मुझे यहाँ पे केव में घूमते हुए 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है, बट डीप स्लेट एमरल्ड ओर का यहाँ पे अता पता नहीं है। लास्ट टाइम तो मुझे ऐसे ही केव में भटकते टाइम पे वो मिल गया था, बट यार इस बार तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक मिनट, क्या ये वही है? ओके भाई साहब फाइनली गाइस हमें यहाँ पे डीप स्लेट एमरल्ड ओर मिल चुका है। भाई ये अकेला ऐसा ब्लॉक है जिसको ढूंढने में सबसे ज्यादा टाइम लग जाता है। तो फाइनली अब इसकी जगह को भी फिल कर देते। अब गाइस आई थिंक अपने बीकन को कंप्लीट करने के लिए कुछ ही ब्लॉक्स बाकी है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ पे सारे विलेजर के वर्क स्टेशन लगाया जाए, जिससे हम इजीली अपने बीकन को कंप्लीट कर सकते। तो चलो फटाफट से इन्हें भी यहाँ पे लगा देते। एंड गाइस हम दो सबसे तगड़े वाले ब्लॉक्स को तो कलेक्ट करना भूल ही गया, जो कि है एंशिएंट डेब्रिस और नेथराइट के ब्लॉक। एंड यहाँ पे ऑलरेडी माइन बनी हुई है, तो फटाफट से यहाँ पे कुछ टीएनटी को प्लेस करके इन्हें इग्नाइट कर देते एंड फटाफट से गाइस सारे एंशिएंट डेब्रिस को कलेक्ट करना शुरू करते। एंड काफी टाइम की मेहनत करने के बाद गाइस फाइनली अब अपने पास टोटल 38 एंशिएंट डेब्रिस हो चुके। सो अब इनसे बना लेते नेथराइट के इंगट, ये बन गया हमारा नेथराइट का ब्लॉक। एंड वैसे तो बीकन में जगह कंप्लीट हो चुकी है, बट मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस केक और इस एनविल को हटा दे एंड उनके बदले यहाँ पे एंशिएंट डेब्रिस और नेथराइट के ब्लॉक को लगा दे। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली हमने अपने बीकन को सारे ब्लॉक से कवर कर दिया है। सो आज की इस वीडियो को गाइस करते यही पे एंड, होप करते गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस आजकल वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लेट आ रही है, बट अब से ऐसा नहीं होगा, अब से आपको वीडियो जल्दी जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।